शाहदरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। कॉन्ट्रैक्ट किलर पर काम करते थे दोनों बदमाश। कल्याणपुरी इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। शाहदरा जिला पुलिस ने मोबाइल लूट के गिरोह का किया भंडाफोड़। मामले में चार आरोपियों किया गिरफ्तार। लूट की वारदात करने में एक दूसरे का करते थे सहयोग। राशन के दुकानदारों का नहीं खत्म हो रहा है इंतजार। राशन की दुकानों पर अभी तक नहीं पहुंचा प्याज। सिर्फ मोबाइल वैन से ही मिल रहा है प्याज। और पूर्व दिल्ली में पुराने रेटों पर ही मिल रही है टोकन वाला दूध। दुकानदारों पर नहीं आई है रेट कम करने की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के शाहदरा इलाके में स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं। पुलिस को इनकी काफी दिनों से तलाश थी। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ बदमाश शाहदरा में आने वाले थे, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाकर इन्हें पकड़ने की कोशिश की। हालांकि शुरू में इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी इन पर फायरिंग की और मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान मुजफ्फरनगर के रहने वाले 21 साल के ताज मोहम्मद के रूप में हुई और वहीं दूसरे आरोपी की पहचान पानीपत के रहने वाले 48 वर्षीय लियाकत अली के रूप में हुई है। पूर्व दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में एक ऐसी वारदात हुई जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मंगलवार तड़के कल्याणपुरी में दो बाइक सवार बदमाशों ने एक 25 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। बताया जा रहा है कार सवार बदमाश सड़क पर खड़े होकर गाली गलौज कर रहे थे। इसका विरोध जसपाल ने किया तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हमें मैडम सुबह साढ़े पाँच बजे पता लगाया हमें क्या ऐसी घटना होगी, क्या अचानक ही गोली मार दी। दो लड़के बाइक पे आए थे, हमारे यहीं के लड़के हैं, उनको मार दी भाई हमारा। किसने मारा? जिनने मारा था उसको पकड़ लिया और बाकी दो फरार हो चुके हैं। बहुत लोग भागे, वो हाथ में आ गए उसको उसको उसकी अचानक ही मार दी। उससे अपना बचाव चाह उसको मार दिया बिल्कुल आते। सबको पिस्टल मार रहे थे, सुबह सुबह है ना, सबको पिस्टल मार रहे थे, सबको बंदूक मार रहे। कोई पब्लिक हाँ भाग रही, कोई पब्लिक हाँ भाग रही है, वो हाथ में आ गया उसको मार दी। मैम मैं सुबह सुबह ना मेरा भाई नहा धो के यहाँ से नीचे उतरा था गुरुद्वारे में, मट्ठा टेक के हूँ ना, कहीं एसी पीछे घूमने के लिए चला गया। बाकी कोई लड़के आए बाइक वाइक पे, ये करीबन थे चार पाँच, बाकी पल्ली तरफ से, बाकी इधर अंधेरे में खड़े होंगे, गली में ले गए उसको घसीट के। उन्होंने अंधुन उसको पकड़ के फायरिंग करी, उससे उसके गोली लग गई, उसकी डेथ हो गई। महिलाओं को भी उठा उठा के लेके जा रहे हैं, डंडे उंडे बरसा रहे, ऐसे ही गाली। हाँ पुलिस, इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। घर घर में आके मारते हैं, वहाँ की लड़ाई होती है तो यहाँ से उठा के ले जाते हैं इनको, तीनों भाइयों को। कोई और भी पहले भी मारा था ऐसी लड़की को, लेके गया था रोड पे भी ऐसे मारा था लड़की को, बिना फालतू भी मारा था उसको, इतने बहुत मारा था। ये 5 बजे की PCR कॉल यहाँ रिसीव हुई थी, जो डिसीज्ड है जसपाल, उसके एक गनशॉट वुंड है और एक एक्यूज्ड जो है वो मौके पर से नैप किया गया, उसका नाम गुड्डू है। एक मोटरसाइकिल भी मौके पर मिली है डैमेज्ड कंडीशन में, उसको भी कस्टडी में लिया गया है मोटरसाइकिल को। अभी हम किस मोटिव से, किस कारण से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पूर्व दिल्ली के शाहदरा जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की एंट्री स्नैचिंग टीम ने मोबाइल चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग किराए पर स्कूटी लेकर मोबाइल स्नैचिंग किया करते थे और उससे बेचते थे।
पुलिस ने एक स्नैचर को पहले गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ के बाद एक स्नैचर के साथ दो रिसीवर और एक किराए पर स्कूटी देने वाले को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि स्नैचिंग करते समय बदमाश काले कपड़े से स्कूटी के नंबर ढक दिया करते थे। पुलिस को काफ़ी समय से मोबाइल स्नैचिंग की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एक एंटी स्नैचिंग टीम बनाई गई। पुलिस को इनके पास से 12 मोबाइल फ़ोन और 2 स्कूटी रिकवर हुई हैं और कई केसों में खुलासा भी किया गया है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे एक रॉबर को पकड़ा गया, जिसका नाम किशन एलियस लाला है, जिससे रॉबरी का एक केस में मोबाइल उससे रिकवर हुआ है। किशन एलियस लाला ने हमें डिस्क्लोज़ किया कि वो अपने एक साथी मिथुन के साथ ये वारदात को अंजाम देता है। इस डिस्क्लोजर के बेसिस पे हमने इसके दूसरे साथी को, जिसके साथ ये रॉबरी की वारदात को अंजाम देता था, उसको हमने पकड़ लिया है। दोनों ने साथ में डिस्क्लोज़ करके बताया कि जो भी स्नैचिंग और रॉब्ड मोबाइल फ़ोन्स होते थे, ये आगे दो व्यक्तियों को आगे बेच दिया करते थे। इन दोनों रिसीवर्स को भी हमने आगे चल के इन दोनों रिसीवर्स को पकड़ लिया है, जिसमें से एक का नाम ईश्वर चंद्र है, दूसरे का नाम राहुल कुमार है, और इनसे टोटल हमें 12 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर हो चुके हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इस केस के अंदर जो सामने आई है, वो ये है कि ये जो रॉबर्स और स्नैचर्स थे, ये अपने किराए की एक स्कूटी हायर करते थे और उस किराए की स्कूटी के पे ये रॉबरी और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। जो ये रॉबरी के लिए और स्नैचिंग के लिए जो स्कूटी प्रोवाइड करते थे, वो स्कूटी भी हमने रिकवर कर ली है, और जो व्यक्ति इनको रेंट पे स्कूटी और ये प्रोवाइड करता था रॉबरी और स्नैचिंग के लिए, वो व्यक्ति को भी हमने गिरफ्तार कर लिया। इसके अंदर एक सामने खास मोडस ऑपरेंडी आई है कि जो ये किराए की स्कूटी को लेकर वारदात करते थे, उसके पीछे दो काले कपड़े लटका के रखते थे। ये काले कपड़े जो है नंबर प्लेट को जिस समय पे वारदात को अंजाम देते थे, उस समय पे काले कपड़े नीचे कर लेते थे ताकि नंबर प्लेट को कोई विजिबिलिटी ना रहे। जो रिसीवर्स हैं उनके उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है हमें कि ये जो फ़ोन रॉबरी के और स्नैचिंग के इनके पास आते थे, रास्ते में चलते हुए किसी भी रैंडम आदमी को ये सस्ते दामों पे इन फ़ोन को बेच दिया था। पूर्वी दिल्ली में राशन के दुकानदारों का प्याज का इंतज़ार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी राशन के दुकानों पर प्याज नहीं पहुंचा। कहा जा रहा था कि नासिक से प्याज आ रही है और सोमवार तक राशन की दुकानों पर प्याज पहुंच जाएगी, लेकिन मंगलवार को भी प्याज ना पहुंचने से दुकानदार परेशान नजर आए। उन्होंने कहा कि अखबारों में राशन विक्रेताओं के दुकानों की लिस्ट नंबर्स के साथ छाप दी गई थी, जिसकी वजह से बार बार लोग फ़ोन करके प्याज के बारे में पूछ रहे हैं और अब तक उन्हें बैनर भी दे दिए गए हैं, जिससे जनता की डिमांड बढ़ गई है। वहीं जनता का कहना है कि उनके मैसेज आ गया था कि राशन के दुकानों पर प्याज शनिवार से मिलेगा, लेकिन अब तक यहां प्याज नहीं आया है। कुछ जगहों पर मोबाइल वैन के जरिए ही प्याज मिल रहा है। मैसेज तो आ गया राशन वाली दुकान पे, प्याज आ गई। मेरे हस्बैंड के पास आया था मैसेज, हाँ प्याज आ गई। अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं लग रही भैया, बिल्कुल राजनीति कर रही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ, शनिवार को जब मैं बैनर लेने गया था, तब मुझे बोला था कि शाम तक आ जाएगा, निकल गया है वहाँ से, मतलब गाड़ियाँ निकली हुई हैं, लेकिन अभी तक तो कोई एक भी गाड़ी नहीं आई। अब उम्मीद तो हमें तो सोचा था कि आ जाएगा, हम तो मंडे को सोच रहे थे कि मंडे को आ जाएगा, लेकिन कल भी नहीं आया। हम तो यही बोलते थे कि आज आ जाएगा, शाम तक नहीं आता तो हम बोलते अगले दिन आ जाएगा, लेकिन वो अभी तक तो आया नहीं। हाँ जी, बहुत आ रहे हैं, बहुत सुबह से शाम तक प्याज पूछने आते रहते हैं, कोई है ही नहीं, प्याज अभी तक आया नहीं, 5 दिन हो गए पोस्टर लगे हुए अभी तक। बस हम तो पता नहीं हमें हमारा नाम क्यों छाप दिया, हम तो खुद परेशान हैं। कॉल तो शुरू 6 बजे से शुरू हो जाती है, जिस दिन तो पेपर में छपाना उस दिन तो 6 बजे से ही कॉल आनी शुरू हो गई। प्याज मिल, सर आपकी दुकान कहाँ पे है, प्याज लेने आ जाएं? कह रहे हैं कि अभी नासिक से चली है, प्याज पहुँचने में टाइम तो लगता ही है। सुना है मैंने कल, सुना है कि किसी भी दुकान पर नहीं, दिल्ली में किसी भी दुकान पर प्याज नहीं आई है FPS पे। बैनर की इतनी जरूरत भी नहीं, प्याज पहुंचना चाहिए था, बैनर की तो इतनी आवश्यकता भी नहीं है, प्याज अपने आप दुकान पे होगा तो लोग बांटेंगे। भले ही मदर डेयरी टोकन वाला दूध 4 रुपए प्रति लीटर कम पर उपलब्ध कराने की बात कर रही है, लेकिन पूर्वी दिल्ली में टोकन वाला दूध पुराने रेट पर ही ग्राहकों को मिल रहा है। जब इस पर हमारी टीम ने टोकन वाला दूध बेचने वाले दुकानदार से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए हम पहले वाले रेट पर ही दूध बेच रहे हैं। वहीं पूर्व दिल्ली में मदर डेयरी टोकन वाला दूध खरीदने वाले लोगों को भी अब इस बात की जानकारी नहीं है, टोकन वाले दूध में 4 रुपए प्रति लीटर कमी आने वाली है। अभी 40 रुपए लीटर है, पहले भी 40 का ही था, 4 रुपए का फर्क है। उसमें गाय का 44 रुपए लीटर है, टोन 42 रुपए लीटर है,
फुल कितने 53 रुपये लीटर है। मदन डेयरी का तो 160 रुपये का। पर किलो कितने का मिलता है आपको? 40 रुपये का। पर रेट तो अगर बात करें तो कम होने की आशंका रहती है क्या आपको? अभी इसके बारे में पता नहीं है कि रेट कम हो चुके हैं? नहीं नहीं, 53 रुपये का फुल क्रीम पड़ रहा है और डबल टोन शायद 38 रुपये का ऐसे कुछ 38 है ना डबल टोन। क्या आप मदर डेयरी का जो खुला यूज है टोकन वाला वो नहीं यूज करते हैं? हम पैकेट वाले यूज करते हैं। पूर्व दिल्ली में भी इंटरनेशनल नगर कीर्तन का स्वागत करने के लिए खास तैयारियां की गई हैं। ननकाना साहिब से आए नगर कीर्तन का पूर्व दिल्ली का क्या रूट है, आइए एक इस पर नजर डालते हैं। ननकाना साहिब से आए नगर कीर्तन दिल्ली का रूट, मयूर विहार फेज 1, कल्याणपुरी, शशि गार्डन, मंडावली, पांडव नगर, गणेश नगर, वित्तीय स्मॉल निर्माण विहार, गुरु अंगद नगर, वेस्ट गुरु अंगद नगर, गुरुद्वारा बाबा करम सिंह, गीता कॉलोनी ब्लॉक 14, गीता कॉलोनी ब्लॉक 7, गीता कॉलोनी ब्लॉक 2, झील कुरुंजा गुरुद्वारा, कृष्णा नगर, लाल क्वार्टर, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल, हर गोविंद इनक्लेव, आनंद विहार, रामप्रस्थ, सूर्यनगर, दिलशाद गार्डन, बेबे नानकी गुरुद्वारा, दुर्गापुरी चौक, रामनगर शादरा डबल स्टोरी, मौजपुर, यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी, वजीराबाद गुरुद्वारा, मजनू का टीला साहिब। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो एक जन समुदाय एक नगर कीर्तन लेके आ रहा है और ये मैं समझता हूँ एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है और उनके लिए भी सौभाग्य की बात है कि वो जो यहाँ के गुरुद्वारों के दर्शन नहीं कर पाते थे वो भी सारे दर्शन करके जाएंगे। अब वो जो दिल्ली में एंटर आज कर रहा है, दिल्ली में जगह जगह उनका स्वागत है, जगह जगह उनके लिए फूलों की वर्षा की जाएगी और उनके लिए स्टॉल लगेंगे, लंगर का अरेंजमेंट पूरा संगत कर रही है, हर सिंह सभा अपनी तरफ से कर रहा है और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी उसमें बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत कर रही है और वहाँ पर पहुँचने के लिए प्रधान साहब ने कहा हर एक को बॉर्डर के ऊपर कि सारे वहाँ पहुँचें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संगत पहुँचेगी और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। क्योंकि पाकिस्तान से एक नगर कीर्तन इंडिया के अंदर आया है और इसका स्वागत किया गया है। गुरु नानक देव जी एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने सांझी वालता का प्रतीक बताया, ना को वैरी नहीं बिगाना, सगल संघ हमको बनाई। मतलब कि उन्होंने ऐसा नहीं कि एक हिंदू या मुसलमान या सिख, उन्होंने सभी धर्मों को एक जैसा माना और आज पाकिस्तान के अंदर वेलकम करने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से दिल्ली की संगत या इंडिया की संगत वहाँ पर आए और पाकिस्तान से ही नगर कीर्तन आया है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दिल्ली में पूरा उत्साह है उनका स्वागत करने के लिए, यहाँ सब देख आ रहे हैं तो देखने के भी आए, वो वेलकम है उनका और स्वागत भी बहुत अच्छी तरह स्वागत होगा। फूलों की बरखा भी होगी उनके ऊपर और बाकी जो है हर चीज़ का उसको हमारे पास अरेंजमेंट है, सब चीज़ हम उसका करेंगे, उनका स्वागत करेंगे अच्छी तरह से। सिंह सभा के सारे गुरुद्वारा साहब फूलों की वर्षा करेंगे और संगत का इतने अच्छे से स्वागत करेंगे, बिना भेदभाव के भाईचारे के साथ हम जो है उनका स्वागत करेंगे। फूड स्टॉल्स भी लगेंगे, लंगर की सेवा भी होगी ताकि किसी को किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। पूर्व दिल्ली की जनता ने कार फ्री संडे योजना का स्वागत किया। जनता ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो पॉल्यूशन कम होगा और सड़कों पर भीड़ भी कम होगी, जिससे जाम से भी निजात मिलेगी। इस दौरान लोगों को ऑड इवन योजना की भी सराहना लोगों ने की है। देखो, अगर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। ये जो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसी की वजह से शायद फैसला लिया गया है और अच्छा फैसला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमारे को ही फायदा है। अगर सरकार कोई रणनीति बनाती है तो हमें, हमारा फ़र्ज़ है कि सपोर्ट करना सरकार को। ओड इवन होना चाहिए, बढ़िया है ओड इवन। ट्रैफिक भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और लोगों का भी फ़ायदा है इसमें, बिल्कुल फ़ायदा होता है पोल्यूशन से, पोल्यूशन का बहुत फ़ायदा होता है। कार फ्री का तो फैसला ठीक है, पर दिल्ली सरकार को पहले ही व्यवस्था करनी चाहिए कि आम जनता को उसमें दिक्कत ना हो। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया होना चाहिए, भीड़ भड़का ना हो, आदमी के ऊपर आदमी ना हो। टैक्सियाँ भी ना, प्राइवेट कार को बंद करने से कोई लॉजिक नहीं है बेटा। टैक्सी में जाएगा तभी प्रदूषण फैलेगा और टैक्सी चार्जेस भी करेगी ना। तो सरकार को वो काम करने चाहिए कि एक आदमी अपने घर से निकला है 10 किलोमीटर जाएगा, उसको अपनी फैसिलिटी है ना, वो पहले उसको इन्वाइट करेगा ओला उबर को, फिर चार्जेस भी देगा,
लेकिन ये कोई सिस्टम नहीं है। फ्री बांटना तो इसका मतलब यह है कि हम लोग हर चीज़ को फ्री ले लेंगे, पानी फ्री ले लें, बिजली फ्री ले लें, वो माल हमारे पास कहाँ से आएगा घर का खर्चा चलाने के लिए। ये राजनीति हो रही है। मैं आपको फ्री भोजन खिलाता हूँ, आप काम ही नहीं करोगे, आपका पेट भरा हुआ है, सारा दिन सोए रहोगे। जो आदमी मुफ्त का माल खाएगा वो काम करेगा, इसका उत्तर दीजिए मुझे। जो आदमी जिसका पेट भरा हुआ है वो काम नहीं करेगा, वो जाके सो जाएगा। वो गलत है ना, फ्री की आदत डालना गलत है, काम करो। अरे दो अगर बाई दी हुए, अगर 10 कदम जाके मेट्रो अगर पकड़ते हैं तो हमारी तो सेहत बनेगी, मेट्रो का किराया भी कम लगेगा। ये फ्री बांटने वाला बेटा कोई सिस्टम नहीं है। अगर जो आदमी फ्री बांटता है तो वो कब तक बांटेगा, उसके घर में कब तक खजाना भरा हुआ है, आखिर वो उल्टा टैक्स लगा देगा। MCD ने भंडारे में प्लास्टिक के इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में भंडारा कराने वाले लोग भंडारा कराते वक्त क्या कुछ सावधानियां बरतें, इसके बारे में पूर्व दिल्ली नगर निगम के नेता सदन निर्मल जैन से खास बातचीत की हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने। अब अगर भंडारा करना है तो आपको निगम से अनुमति लेनी होगी, और साथ ही साथ अगर प्लास्टिक की चीजें उसमें यूज की गई या डिस्पोजल प्लास्टिक के हुए तो भारी जुर्माना भी आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, इस तरह की बात निगम कह रही है, और क्या ये पूरा मामला है इसकी जानकारी लेते हैं। मेरे साथ नेता सदन जी मौजूद हैं, उनसे बात करके। कि आप भंडारा करें, धार्मिक कार्यक्रम करें, कीर्तन जो भी जैसे करते हैं करते रहें, कोई इसमें किसी किस्म से कोई मतलब कोई व्यवधान मतलब सोच भी नहीं सकता इसमें, इस तरीके की बातें। तो सिर्फ हमारा यही निवेदन है कि आप इसके अंदर प्रॉपरली सफाई वगैरह का ध्यान रखें, जहाँ खाना हमारा बन रहा है वो ठीक ठाक जगह हो, वहाँ पर डस्ट ना हो, वहाँ पर मक्खी मच्छर ना हो, वहाँ पानी वानी का इस तरीके से जो मच्छर बैठ जाते हैं तो खाना प्रॉपरली ठीक बने। दूसरी बात यह है कि प्लास्टिक का उसमें सेवन ना हो, उसमें आजकल बाज़ार में खूब अच्छी अवेलेबल है, मैंने अभी सब देखी है, कागज़ की प्लेट भी है, कागज़ के गिलास आ गए हैं, मतलब इतनी चीज़ें अब आ गई हैं कि हमें प्लास्टिक की ज़रूरत ही नहीं है। और हमारा डिपार्टमेंट जो है दिल्ली, जो हमारा जो ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो समय समय पर हमें जो NGT से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से जो हमें आदेश प्राप्त होते हैं हम उनके आधार पर काम करते हैं, और उसमें हमारा जो उद्देश्य है वो किसी को परेशान करना नहीं है। अगर किसी को इन चीज़ों से कोई परेशानी आ रही हो तो हमें बताएं। NGT ने गाइडलाइन ब्रॉड लाइन दी है, अभी इसके जैसे ही पूरे कोई बनते हैं तो हम इसको जनता में प्रचारित करेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें पहले जहाँ मैंने शुरुआत किया इसको पैनिकली इसको हाइक किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता निडर होकर के खूब भंडारे आयोजन करे, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक क्रियाकलाप, कीर्तन सब जो काम करने खूब करे, कोई किसी किस्म से कॉरपोरेशन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। तो एक तरफ तो स्वच्छता का संदेश काफ़ी लंबे समय से दिया जा रहा है, वहीं अब इस काम में तेज़ी और ज़्यादा आने जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर गाइडलाइंस तैयार हो रही हैं। तो वहीं अब भंडारा अगर कोई कराना चाहता है और भंडारे में संख्या लोगों की ज़्यादा हुई तो उसके लिए निगम से परमिशन लेनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। और उसके अलावा अगर बात की जाए भारी जुर्माने की, अगर उस भंडारे के समय पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो प्लास्टिक में परोसी जाएंगी तो 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। कैमरा पर्सन मोहित कैंत के साथ वंदना कश्यप, CCN। पूर्व दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में गांधी मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा विभाग, टीचरों और स्टूडेंट्स ने मिलकर प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानकारियाँ दी गई। कार्यक्रम में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन समेत तमाम पार्षद और नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमारे देश का गर्व हैं, उनकी नीतियां हमारे समाज को खास संदेश देती हैं। असल में स्वच्छता का जो मिशन है ना, उसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी, और आज मोदी जी ने सपने को पूरा करने के लिए मिशन शुरू किया है सफाई का। और इस सफाई के अंदर, मिशन के अंदर हमारे सभी स्कूल्स नगर निगम के सभी, उनके अध्यापक, सभी बच्चे और पूरा स्टाफ बहुत ज़ोर शोर से, बहुत ही मतलब उत्साह के साथ इस काम में लगा हुआ है। और जब मोदी जी का आदेश हुआ है अभी 15 अगस्त को, नो प्लास्टिक, नो सिंगल प्लास्टिक यूज़, तो
इस बारे में बच्चों ने पीछे बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है अभी, और बड़ा बच्चों में अध्यापकों में बहुत उत्साह है। बच्चे जो है ये गांधी जी के रूप में और ये स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। आगे अगले स्टॉल में आप जाएंगे, वहाँ बच्चों ने बहुत अच्छी ड्राइंग्स दी हैं, और मैंने अभी देखा कि गाय को उन्होंने दिखाया कि कैसे वो प्लास्टिक को खा रही है, नीचे प्लास्टिक पड़ा है फिर वो खा रही है, और कैसे उनके पेट में प्लास्टिक जमा हो रहा है जिससे वो मृत्यु हो जाती है। तो ये बच्चे जो है उनकी बड़ी क्रिएटिविटी है, और जब ये कोई चीज़ करते हैं तो बच्चों को बड़ों को भी उससे प्रेरणा मिलती है, और गांधी जी से तो मिल ही रही है। और आओ आओ पर्यावरण को बचाएं, सबका जीवन बेहतर बनाएं। महात्मा गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता ही सेवा है और साफ सफाई करना ही ईश्वर की भक्ति है। स्वच्छता किसी एक का काम नहीं, यह तो सभी की जिम्मेदारी है। अपना घर साफ होना चाहिए, शौचालय घर से बाहर हर जगह साफ होना चाहिए, ये भी किसी पूजा से कम नहीं है। बच्चों के माध्यम से मेन बात तो ये जाने वाली है कि स्वच्छता ही सेवा है, जो EDMC का भी नारा है, गांधी जी का ही नारा इन्होंने अपनाया है। दूसरी चीज़ ये कि गांधी जी का एक मेन वो था कि जिस तरह से हमारा ड्राइंग रूम साफ़ होता है, हमारा शौचालय भी उतना ही साफ़ होना चाहिए। बच्चों को प्रिपेयर करने में मेहनत तो बहुत लगी है, क्योंकि मॉडल्स वगैरह भी सब बनाए, बच्चों को तैयारी करवाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तैयारी कराने में, बातें याद कराने में भी टाइम लगता है, और जो मैसेज हम लोग दे रहे हैं स्वच्छता को लेकर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी याद दिला देंगे कि मुहिम के तहत पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी में लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया गया है। मुहिम के तहत लोगों को बताया गया कि जागरूकता के अभाव में आज बहुत लोग पानी को व्यर्थ बहा रहे हैं। विश्व में समस्या में अधिकतर देश साफ पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यदि हम समय रहते जल संरक्षण को लेकर जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में हमें पीने के पानी की बड़े स्तर पर किल्लत का सामना करना पड़ेगा। पानी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। ये का सर्वे, ये एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में कई जगह पे पानी की खपत जो है करने से वो पानी कम होने वाला है, तो उसकी अवेयरनेस के लिए पानी याद दिला देंगे एक प्रोग्राम ऐसा चला है, आपने रेडियो पर भी सुना होगा, तो उसके तहत आज यहाँ पर ये टीम आई है, हमारे सामने खड़े हैं भाई साहब खड़े हैं, तो इन्होंने पूरी मशक्क़त से हम घरों में गए हैं, लोगों की टूटियाँ चेक की हैं, प्लम्बर भी साथ था, पूरी टीम थी, तो जिनकी टूटियाँ लूज थी और टूटियों को हमने टाइट किया है कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक बूंद बचाएंगे तो उस एक एक बूंद से ही हम इस समस्या का हल कर पाएंगे। लोगों को जागरूक किया इस बारे में, बताया उनको कि बूंद बूंद कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग रेडियो पर हमने 150 दिन से हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, और 50 दिन करते करते आज हमारे पास 90 डेज बचे हुए हैं 2020 स्टार्ट होने से पहले। सो नीति आयोग की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि दिल्ली का जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो 2020 तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो जहाँ पर 60 फीट के नीचे जो पानी आया करता था, आज वो 160-200 लेवल तक पहुँच चुका है। सो वो बूंद बूंद कितना ज़रूरी है वो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं उनके घर घर जाके नल के टाइट करने के लिए। सो SK बग्गा जी कृष्णानगर से, जो कि विधायक हैं हमारे साथ में, आज गीता कॉलोनी के सुबह से हम लोग काफ़ी घरों में जा चुके हैं, और जिनकी जो टूटी ढीली थी वो हमने बग्गा जी के साथ मिलकर, और एक प्लम्बर जो कि इनके साथ था उनके साथ मिलकर सबकी टूटियाँ हमने टाइट की है। ये दिल्ली सरकार द्वारा बहुत अच्छी मुहिम की है कि, और आज की डेट में सारे लोगों को अवेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो पानी के लिए, जैसे अभी बोतलों में पानी, पहले कहाँ कहाँ से जल में पानी, उस क्या नदियों में पानी देखा करते थे, आज हम बोतलों में पानी देख रहे हैं, तो ऐसे ही आने वाले टाइम वालों को बोतलों में पानी भी नहीं मिलेगा। ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रॉपर टूटियाँ चेक करें, उसमें लीकेज तो नहीं है, कहीं से कोई छेद वेद तो नहीं हुआ हुआ। आजकल आपको बताइए डेंगू मलेरिया सब फैला हुआ है, और उसके मच्छर वगैरह कितने फैले हुए हैं। सबसे पहली बात तो है हम टूटियाँ चेक करें, अपने नलके चेक करें, वी कीप ए चेक ऑन अवर टैंकीज ऑल्सो, टैंकियाँ चेक करें, चाहे वो बोरिंग की हैं चाहे वो कॉरपोरेशन की हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बच्चों को खुद यही सिखाते हैं, और अपने घर में भी हम ये चीज़ फॉलो करते हैं कि बिल्कुल ज़रा ज़रा पानी भी बचाओ, कार भी मत धो पानी से, वो अगर जितना हो सके वो सूखे कपड़े से ही करो मैनेज, तो वो अच्छा है। आज आज हम बचाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए फ़ायदा है, सीधी सी बात है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN डैन को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।